गाइस, सैमसंग गैलेक्सी M51 कोई अभी से लीक नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट उसको लीक होते हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अब जो है हद ही पार हो गई है। मतलब इतने सारे लीक आ गए हैं, इसका मतलब यह है कि ये फोन जो है लगभग 15-20 दिन के अंदर जो है लॉन्च होने वाला है। अब स्ट्रांग लीक्स और रूमर से बताते हैं कि ये फोन जो है लगभग 15-20 दिन के आसपास जो है लॉन्च हो जाएगा। लगभग ये फोन जो है सितंबर के 10-12 तारीख के आसपास जो है लॉन्च होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं क्या स्पेसिफिकेशन एक्सपेक्टेड है और क्या यहाँ पे स्ट्रांग लीक्स आ रहे हैं। गाइस, जैसा कि आपको बता दूं, सैमसंग गैलेक्सी A51 इज इक्वल टू सैमसंग गैलेक्सी M31S। लगभग ये फोन सेम है, यहाँ पे आपको कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। ये डिजाइन की बात करते हैं तो वो भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि A51 सैमसंग का गैलेक्सी A51 जो है वहाँ पे ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर आ जाता है, M31S के अंदर जो है साइड माउंट फिंगरप्रिंट आता है, एंड बैटरी को जो है यहाँ पे बढ़ा दिया है सैमसंग गैलेक्सी M31S में। तो बता दूं, सैमसंग गैलेक्सी M51 इज इक्वल टू सैमसंग गैलेक्सी A71 जो है होने वाला है। मतलब A51 का अपर मॉडल A71 और M31S का अपर मॉडल Samsung Galaxy M51। अब यहां पर क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो बता दूं गाइस, जो कि Samsung Galaxy M51 की स्ट्रांग लीक्स और हमारी जो यहां पे उम्मीद है कि A71 इज इक्वल टू Samsung Galaxy M51 ही होने वाला है। 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा जो कि होगा सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ में। अब यहाँ पे बता दूं, आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी M51 में, जैसा कि हमने M31S के अंदर देखा। अगर ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर आ जाता है तो फिर A71 इज इक्वल टू M51 में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको M51 के अंदर जो है साइड माउंट फिंगरप्रिंट ही देखने को मिलेगा। बात करते हैं फ्रंट डिजाइन के बारे में, पंच होल स्क्रीन देखने को मिल जाएगा जो कि हम सैमसंग गैलेक्सी A21S के अंदर हम देख चुके हैं। मतलब जो है काफी सारे फोन में देख चुके हैं, रियलमी 6 के अंदर देख चुके हैं। मतलब कुछ इस टाइप का जो है पंच होल स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं बैक डिजाइन की, तो उम्मीद यही है कि सैमसंग गैलेक्सी M31 ऐसा ही डिजाइन जो है देखने को मिलेगा। मतलब कॉर्नर पे जो है 4 कैमरे लगाए जाएंगे एल शेप के अंदर, और यहां पे जो है कुछ इस टाइप का जो है डिजाइन देखने को मिलेगा बैक साइड से। ग्लोसी फिनिशिंग की बात करते हैं तो यहां पे फाइबर बॉडी के ऊपर ही जो है ग्लोसी फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। मतलब जो है कुछ इस टाइप का जो है डिजाइन देखने को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M51 का। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, सैमसंग गैलेक्सी A71 में यूज किया गया है स्नैपड्रैगन 730G, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 730 चिपसेट जो है देखने को मिल जाएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस रखा जाएगा A71 वर्सेस M51 में, जो कि प्राइस में भी जो है काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। लगभग बात करते हैं A71 के प्राइस की 31,000 है, तो M51 लगभग जो है 21,000-22,000 रुपए का आ सकता है। स्नैपड्रैगन 730 के साथ में ये जो है काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज का फोन। बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस की, इसमें जो है काफी अच्छी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि है 7000 mAh की बैटरी। अब यहां पर स्ट्रॉन्गली ये बोलते हैं कि 7000 mAh की बैटरी जो है, सुपर एमोलेड स्क्रीन, 6.7 इंच का डिस्प्ले, लगभग जो है 10 से 11 12 घंटे का परफॉर्मेंस आपको जो है इजीली देखने को मिल जाएगा। मतलब हमने 6000 mAh की बैटरी का परफॉर्मेंस देखा, लगभग 10 घंटे या 11 घंटे का मिलता है, लेकिन 7000 mAh बैटरी का परफॉर्मेंस लगभग जो है 12 घंटे से भी ऊपर परफॉर्मेंस आपको जो है देखने को मिल जाएगा। लेकिन 7000 mAh बैटरी को चार्ज करने के लिए उसमें जो चार्जर मिलेगा वो होगा 25W का चार्जर। थोड़ा सा यहां पे निराशाजनक बात है, 25W का चार्जर इस फोन को चार्ज करने के लिए, 7000 mAh बैटरी को चार्ज करने के लिए लगभग जो है 3 घंटे ले सकता है। तो हमने जो है कुछ रूमर्स और स्ट्रॉन्ग लीक्स के अनुसार बता दिया है कि सैमसंग गैलेक्सी M51 जो है कैसा होने वाला है। प्राइस एक्सपेक्टेड की बात करते हैं, लगभग जो है 21 से 22,000 रुपए का 6GB रैम वेरियंट हो सकता है, और लगभग 23 से 24,000 रुपए का जो है 8GB रैम वाला वेरियंट हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग लीक्स ये थी। इतना ही था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके बताना आपके क्या मानना है सैमसंग गैलेक्सी M51 के बारे में, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।